हेलो स्टूडेंट्स, ये है सेकंड पार्ट जेनेटिक्स का। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ टॉपिक्स थे जो कवर किए थे। अब हम इसमें उसी चैप्टर के बेसिक्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पे एक टर्म और सीखेंगे, एलील्स। एलील को आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जीन पेयर है, ठीक है। एक जीन है पेयर में जो कि एक सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और ये सेम लोकाई पे अटैच्ड है होमोलोगस क्रोमोसोम में। ये फिगर आपको याद करनी है, जब भी कभी आपको एलील दिखे, ये दो क्रोमोसोम हैं जो कि होमोलोगस हैं, सिमिलर हैं, और इनके ऊपर ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये दोनों जीन पेयर हैं, इन्हीं को एलील बोलते हैं और ये एक सेम ट्रेट को, एक सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनको बोलेंगे होमोजाइगस, और लिखते हैं ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, या तो दोनों कैपिटल होंगे या दोनों स्मॉल होंगे। इसे ऐसे कह सकते हैं आइडेंटिकल एलील इन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेंगे आइडेंटिकल जीन्स, जीन्स नहीं बोलना है यहाँ पे, एलील बोलना है। ये दोनों जीन जो है एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे अटैच्ड हैं, तो जो आइडेंटिकल होंगे वो होमोजाइगस कहलाएंगे और जो हेटरोजाइगस होंगे वो डिसिमिलर एलील्स होंगे, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, मतलब सेम नहीं होंगे, वो होंगे हेटरोजाइगस और अटैच्ड होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम पे ही और डिसिमिलर होंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लिंकेज। लिंकेज क्या होता है? लिंक है, मतलब कोई चीज़ यहाँ पे लिंक है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। लिंकेज वो होता है जिसमें दो जीन जो कि एक साथ लोकेटेड हैं, क्लोज लोकेटेड हैं एक दूसरे के क्रोमोसोम पे, जो एक साथ इनहेरिट होंगे, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में एक साथ चले जाएंगे, उनको बोलते हैं लिंकेज। ये एक क्रोमोसोम है, इस पे दो जीन है, 1 और 2, ये दोनों लिंक्ड हैं। अब जो नहीं लिंक्ड है उनको किस तरह से देख सकते हैं हम? जो लिंक्ड नहीं है, ये दो क्रोमोसोम है, इन दोनों पे एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है, हो सकता है ये वाला ट्रांसफर हो जाए जनरेशन में, ये वाला ना हो, तो ये नॉन लिंक्ड है। अब ये एक जीन है, इस पे दो जीन है, ये वाले क्रोमोसोम है, इस पे ये दो जीन है, 1 और 2, ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं। और यहाँ हमने लिंकेज में क्या बोला था? क्लोज टू ईच अदर, जो एक दूसरे के क्लोज होंगे वो ही ऑफन इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है, वही ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, तो ये नहीं लिंक्ड नहीं है, ठीक है। ये नॉन लिंक्ड है, ये भी नॉट लिंक्ड है और ये लिंक्ड है। और जो अनलिंक्ड होते हैं उनको कैसे कहेंगे? दे मे बी ऑन सेपरेट क्रोमोसोम और दे मे बी फार अपार्ट ऑन सेम क्रोमोसोम। या तो वो अलग क्रोमोसोम पे होंगे तब एक साथ ट्रांसफर नहीं होंगे, या फिर वो एक दूसरे से काफी दूर होंगे इसलिए ट्रांसफर नहीं होंगे, तो वो नॉन लिंक्ड कहलाएंगे। लिंक्ड वाला वो होता है जो क्लोज होता है एक दूसरे के और हमेशा इनहेरिटेड होता है एक साथ, तो उसे लिंक्ड बोलेंगे। अब ये देखिए मोनोसोमिक, ये टर्म भी आपको बहुत बार मिलेगी जेनेटिक्स में। मोनोसोमिक होता है कोई डिप्लोइड सेल, डिप्लोइड सेल मतलब जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2 है, ठीक है। तो क्या होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम को वो मिस करेगी वो सेल या वो इंडिविजुअल, तो वो होता है मोनोसोमिक। और उसको कैसे लिखते हैं? 2n-1। कोई डिप्लोइड सेल या इंडिविजुअल है जिसमें वन कॉपी ऑफ वन पार्टिकुलर क्रोमोसोम दस हैज क्रोमोसोम नंबर 2n-1, जिसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम की कॉपी है, उसको इस तरह से लिखेंगे, वो होता है मोनोसोमिक। ये ना बहुत डिटेल में मैं बताऊंगी एक वीडियो में, जो मोनोसोमिक, नलीजोमिक और कई तरह के होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं उसे क्या कहते हैं, जिसमें सारे ही क्रोमोसोम मिसिंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। फिलहाल आप मोनोसोमिक याद रखें। अब देखिए नलीजोमिक भी एक टर्म है जिसमें जो दोनों क्रोमोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम पेयर है किसी भी स्पीसीज में, वो लैक हो चुका है, खत्म हो चुका है वहां से। इसको लिखने का तरीका क्या है? 2n-1। और अगर एक क्रोमोसोम मिस हो तो क्या लिखेंगे? 2n-1। ये 2n-2 क्योंकि इसमें दोनों ही क्रोमोसोम मिसिंग है यहाँ पे। ह्यूमन विद दिस कंडीशन विल नॉट सर्वाइव, अगर इंसान में ऐसा हो कि दोनों ही क्रोमोसोम नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ये लीथल कंडीशन है, मतलब ये मार सकती है जिसमें ये वाली कंडीशन अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है?
जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये एक प्रोसेस होती है जिसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या करेंगे एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ठीक है, इसमें ये पार्ट हैं जीन्स के जिन्हें हमने एलील बोला था, और अब क्या होगा ये एक्सचेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे ए कैपिटल है बी स्मॉल है, ए कैपिटल बी स्मॉल, फिर यहाँ पे ए स्मॉल बी कैपिटल, ए स्मॉल बी कैपिटल, तो ये एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या होगा फिर ए कैपिटल बी स्मॉल, ये तो सेम ही है, और इसमें ए कैपिटल और बी स्मॉल ये वाला जो हिस्सा है ये एक्सचेंज हो गया है ठीक है। तो इस ए के साथ ये वाला बी आके अटैच हो गया है, पेयर अप हो गया है सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ, तो इसे क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे, और ये होता है प्रोफेज वन में और मेटाफेज वन में। अब हम पढ़ेंगे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ये बीडल एंड टाटम ने दिया था 1941 में, और जेनेटिक्स में अगर आप हैं या फिर साइंस आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए ये टर्म किसने दी थी, बीडल एंड टाटम ने। और इसमें है क्या कि एक जीन जो होता है वो सिंगल एंजाइम को एनकोड करता है, वो एंजाइम विच कॉन्सिक्वेंटली अफेक्ट एन इंडिविजुअल स्टेप इन मेटाबोलिक पाथवे, जो मेटाबोलिक पाथवे के कॉन्सिक्वेंटली जो इफेक्ट होता है उसको इफेक्ट करता है मेटाबोलिक पाथवे के स्टेप को। तो एक जीन एक एंजाइम को कंट्रोल करेगा, एनकोड करेगा ठीक है, और वो फिर मेटाबोलिक पाथवे को अफेक्ट करेगा, इंडिविजुअल स्टेप्स को अफेक्ट करेगा। तो एक जीन एक एंजाइम को एनकोड करता है ये दिया था बेडल एंड टॉटम ने 1941 में, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे इसके ऊपर घुमा घुमा के। सिंपल है, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो भी आप कर देंगे। ऑपेरॉन हाइपोथेसिस, ये भी बहुत बार मिलेगी टर्म आपको। ऑपेरॉन हाइपोथेसिस क्या होता है, 61 में जेकोब मानाइड ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था जिससे बोला था हाइपोथेसिस ऑफ ऑपेरॉन। ये क्या है, फंक्शनल पार्ट है जीनोमिक डीएनए का जिसको ऑपेरॉन बोलते हैं। ऑपेरॉन हाइपोथेसिस में ऑपेरॉन इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको ये याद रखना है कि ये डीएनए का फंक्शनल पार्ट है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स का। अगर आपको ये जीन्स का एक्सप्रेशन किस तरह से होता है ये पढ़ना है तो एक मेरी वीडियो है, मैं उसको इसी में ऐड कर दूंगी, आप उसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगा किस तरह से ये जीन के एक्सप्रेशन को, किस तरह से ये डीएनए पार्ट जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। देखेंगे कि जो डीएनए है उसको जेनेटिक मटेरियल किसने डिस्कवर किया था। सबसे पहले इन 1952 हार्स एंड चेज ने ये दिया था कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। ग्रिफ्थ ने भी प्रूव किया था कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। 1920s में ग्रिफ्थ ने स्टडी किया था टू डिफरेंट स्टेन्स को बैक्टीरिया के दो स्टेन लिए थे, आर स्टेन और एस स्टेन। आर रफ वाला स्टेन था, एस जो था वो स्मूथ स्टेन था। अब उन्होंने क्या किया, जो एस स्टेन है वो वीरुलेंट है, इसने मतलब रैट को किल कर दिया, और ये जो आर स्टेन है ये नॉन वीरुलेंट है जिससे कि रैट जिंदा था। एस स्टेन है उसने हीट किया फिर चूहा जिंदा हो गया, मतलब मरा नहीं, जब एस स्टेन को हीट करके दिया ठीक है, और एस स्टेन को डायरेक्ट दिया था तब उसने क्या किया, क्या किल कर दिया रैट को। अब एस स्टेन को और आर स्टेन को दोबारा दिया तो उसने भी किल कर दिया। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं एस स्टेन में डीएनए का पार्ट जो था वो इंसर्ट कर गया आर स्टेन में, और उसने मजबूर कर दिया, मतलब उसने मार दिया उस चूहे को, तो वो विरुलेंट हो गया। यहाँ से ये ऑब्जर्व किया कि जो चेंज है ऑर्गेनिज्म में वो डीएनए की वजह से ही हुआ है। हर्सी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरिया एंड वायरस पे। वायरस क्या है, डीएनए है जो एक प्रोटीन कॉट में बंधा हुआ है, डीएनए इनसाइड प्रोटीन कॉट। वायरस की एक खास बात यह होती है कि वो अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको अपना डीएनए किसी और मटेरियल में किसी और सेल में डालना होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है टू रिप्रोड्यूस ए वायरस मस्ट इंसर्ट इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल इनटू अ सेल, जैसे कि बैक्टीरिया में अगर डाल दे वो तो वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा। अब रिसर्च ने कई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किए थे जिससे कि लेबल कर दिया उन्होंने डीएनए को और प्रोटीन को, वायरस के जो डीएनए और प्रोटीन दो ही हिस्से थे उनको लेबल कर दिया, और देखा कि वायरस का डीएनए ट्रांसफर हो रहा है या प्रोटीन कोड ट्रांसफर हो रहा है। इससे उनको हेल्प मिली ये जानने में कि वायरस ने क्या इंजेक्ट किया था बैक्टीरिया में। सो
डीएनए इज द मॉलिक्यूल दे आइडेंटिफाइड एंड कन्फर्म्ड, उन्होंने इससे डीएनए को आइडेंटिफाई कर लिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट से और डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा। ठीक है, उन्होंने क्या क्या यूज किया था, सल्फर 35 और फॉस्फोरस 32। ठीक है, तो इससे पता चल गया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, और इसके ऊपर अलग से भी एक वीडियो मैंने डाल दी है, हर्श एंड चेस एक्सपेरिमेंट, वो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अपने टॉपिक्स को वीडियो फॉर्म में देखने के लिए देखते रहिए, और थैंक यू फॉर गिविंग मी सपोर्ट, थैंक यू।